हाय फ्रेंड, मैं बलवान मुदगिल आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और आज हमारे सामने जो बैठे हुए हैं ये अशोक जी है, और जिनकी जो रैंक है ऑल इंडिया के अंदर जून 2019 के अंदर फर्स्ट रैंक इन्होंने हासिल की है, और वो भी सेल्फ स्टडी के माध्यम से। और आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी की, कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया, और ये हमें जो है अपनी जो बारे में कुछ बातें शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं सर। बहुत बहुत आभार बलवान मुदगिल जी का, जिन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकालकर इस बात के लिए मुझे मौका दिया कि मैं जो नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित कर सकूं। अगर मैं आपको बताऊं तो सेल्फ स्टडी के माध्यम से मैंने जो तैयारी की है उसी के बेस पर पहला रैंक जो हासिल किया है, इसके लिए मुझे परिवार की तरफ से, गुरुजनों की तरफ से बहुत सहयोग मिला है, और इसके पीछे मेरी अथक मेहनत लगी हुई है। आज के समय की बात करें तो पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस लगती थी, तो दो ही रास्ते होते थे स्टूडेंट के पास, या तो दिल्ली चंडीगढ़ बड़े शहरों में बाहर जाके कोचिंग ले, और अगर वहां जाने के कुछ रुकावटें हैं किसी न किसी वजह से, सामाजिक वजह से या खुद की स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता, कोई और भी वजह हो सकती है, वो नहीं जा पाता, तो वो क्या होता था, घर पे ही रह के अपनी तैयारी कर सकता था। अब ऑनलाइन के आने के माध्यम से, पहली बार ऑनलाइन जो कोचिंग आने लगी है मोस्टली 18-19 में, अब ये चलन में है, इसके आने से स्वयं शिक्षा के साथ साथ, सेल्फ स्टडी के साथ साथ आप घर बैठे बैठे जो सारी रुकावटें हैं वो भी आपकी दूर हो चुकी है, उनका फायदा भी उठा सकते हो। अगर मैं अपने समय की बात करूं तो मेरे लिए हिंड्रेंस थी कि मैंने सब कुछ अपने आप ही करना है, बाहर किसी भी वजह से, जॉब की वजह से या आपका घर चलाना, अपने घर की जिम्मेवारी है, नहीं जा पाए किसी भी वजह से, तो आपको सब कुछ खुद करना है, दिशा भी आपको खुद तय करनी है, कितना टॉपिक कहां से है सब कुछ खुद मैनेज करना है। लेकिन आजकल आपके सामने बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनसे आप घर बैठे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हो। तो जो कि मैंने सोशल मीडिया पे पिछले काफी समय से अध्ययन किया, देखा, जाना, लगभग 9-10 साल का मुझे शिक्षा देने का अनुभव है, तो मैंने जाना कि बहुत से जो इंस्टीट्यूट हैं, संस्थाएं हैं, अपने यूट्यूब वीडियोस डालती है, तो उनका एड का मेन पर्पज होता है कुछ एक टॉपिक पे डाल देती है, जो टॉपिक पे पकड़ अच्छी होती है, जिससे हम घुबरा होकर चयन कर लेते हैं। अगर आप सही चयन करेंगे, अगर मैं बात करूं पिछले समय से बहुत ज्यादा जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले जो नाम आता है वो बलवान मुदगिल जी का आता है। मेरे फर्स्ट रैंक आने में भी कुछ न कुछ हाथ जरूर रहा है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, जिसके कई लाभ हैं। पहला बेनिफिट्स आपको ये रहेगा कि आप किसी भी समय, जो समय आपके लिए उचित है, आप दिन में काम करते हैं तो आप दोपहर को, शाम को, सुबह अर्ली मॉर्निंग उसको दोबारा सुन सकते हैं, नहीं समझ आए तिबारा सुन सकते हैं, और जैसे कि डाउट क्लासेज ली जा रही है, आपके टेस्ट सीरीज ली जा रही है, वो आपके लिए आगे एग्जाम के लिए बेनिफिट करेंगी। अब ताजा आज की अपडेट, एक दो दिन पहले की अपडेट है कि कुछ सिलेबस का पैटर्न चेंज होने जा रहा है, और जो आपका टेस्ट होगा वो भी कंप्यूटर पे ऑनलाइन प्रक्रिया से होगा। अगर आप इससे नहीं गुजरेंगे, अगर आपको सिर्फ ऑफलाइन तैयारी है, तो आप वहां जाके कॉन्फिडेंट, जो कॉन्फिडेंस है वो लूज कर सकते हैं, इसलिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो भी एक बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है आपको। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर आपको मिलती है तो आप उससे बहुत सारा फायदा ले सकते हैं, अच्छे से अच्छा रैंक ले सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। सिर्फ नेट ही नहीं, नेट के बाद आपका इंटरव्यू होता है, NBHM भी है, टिफर एग्जाम है, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, आपको वो टेस्ट सीरीज हर तरह से बेनिफिट करेगी।
तो हमारे समय में एक ये भी था कि सिर्फ और सिर्फ आप घर पे, आपने दिशा भी खुद तय करनी है, आपने मैटर भी खुद इकट्ठा करना है, आपने सारी तैयारी खुद करनी है। इतनी सारी रुकावटें थी। आपके पास तो अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप घर बैठ के ऑनलाइन सीरीज से या ऑनलाइन कोचिंग से अपना बहुत अच्छा से अच्छा रैंक या अच्छे फर्स्ट रैंक के बावजूद भी अच्छे अंक ले सकते हैं, जो आपको हर तरह बेनिफिट देंगे। इसलिए आप इनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। साथ में आप लोगों को ये कहना है कि ये आपने चयन करना है कि आप कौन सी ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं, वो आपके लिए सुटेबल है, उनका भाषा का माध्यम जो है वो आप तक प्रॉपर समझ में आ रहा है, टाइम टू टाइम वो अपडेटेड हो, इन बातों से आपको सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे नजरिए से मैं कहूं तो आज के दिन बलवान मुदगिल जी जैसी सुविधाएं शायद कहीं से नहीं मिल पा रही। दूसरी बात सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं ले सकते, या फिर जिनको पैसे की कमी है, या फिर जिनके पास बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट ज्वाइन करे या फिर वो ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले, तो उनके बारे में भी आप कुछ बताइए कि उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए कि वो भी जो है एटलीस्ट अपना नेट निकाल पाए या अपनी रैंक ले पाए विदाउट कोचिंग भी, उनको भी कुछ फायदा हो पाए इसके बारे में। हाँ, विदाउट कोचिंग भी आप टेस्ट को पास कर सकते हैं, अच्छे अंक ले सकते हैं। आपको सबसे पहले तो जो आपका बेस है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो आपकी ग्रेजुएशन की क्लासेज है, ग्रेजुएशन की बुक्स है, हम कुछ सेक्शन को ड्रॉप आउट कर देते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक को छोड़ देते हैं, अगले को रीड करते हैं सिर्फ बीएससी या बीए को टारगेट करते हुए, वो भी एक हिंड्रेंस होता है। आप अगर किसी टॉपिक को कर रहे हैं, आप अगर रियल को कर रहे हैं, डिफरेंशियल को कर रहे हैं, तो उसमें शायद ही कोई ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो आपने ना किया हो, यानी सभी के सभी टॉपिक आप एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, वो आपका गैप नहीं रहना चाहिए। बेसिक आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, उसके बाद आप उससे अपर लेवल की बुक्स, अपर लेवल के नोट्स या अपर लेवल के जो क्वेश्चन सीरीज है आजकल ऑनलाइन है, बड़ी इजीली अवेल भी हो जाती है अपने साथियों से, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। दूसरी बात यह है जो मैं आपको बताना चाहूं, जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है वहां से गलती नहीं होनी चाहिए, जो वीक है उसमें से गलती हो जाए या वो आप कम करो ना करो, जो स्ट्रॉन्ग है उसको ही स्ट्रॉन्ग करना है। क्या होता है कि हमें ये होता है कि ये टॉपिक तो हमें आता है, वहां पे हमें दिक्कत होती है। आता है और स्ट्रॉन्ग, ये दो डिफरेंट थिंग है। वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वहां इतना होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कर दिया, एक बार तो अगर आंसर की में डाल भी दिया तो भी मुझे ये लगे कि मैं इसको ऑब्जेक्शन उठाऊं। अगर आप उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे और एग्जाम के अंदर सही सिलेक्शन करेंगे तो बिना किसी कोचिंग के भी आप बहुत अच्छा रैंक ले सकते हैं। मैंने भी लिया है। जो चीज आपको आती है वो बहुत अच्छे से आती हो, जो आपको नहीं आती उसमें से आप कितना पोर्शन उठा सकते हो, जरूरी नहीं है सारा कवर करना, सिलेबस बहुत वाइड है, आप सिलेक्टेड पोर्शन बहुत अच्छे से करो और पेपर को अच्छे कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट करो, तो बड़ी आसानी से आप बिना कोचिंग के भी इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। और एक दूसरी चीज सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जानना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी है, कोचिंग ली हुई है, बट जैसे ही वो एग्जाम के अंदर जाते हैं उनका प्रेशर क्रिएट होता है और वो 2 नंबर, 10 नंबर या 5 नंबर से रह जाते हैं, तो वो अपना जो ये प्रेशर है वो कैसे कम कर सकते हैं, उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, उनके बारे में कुछ बताइए आप। हाँ, इसका भी मेरे सामने भी एक जीता जागता उदाहरण है। मेरा एक मित्र है, उसके साथ कम से कम 3 या 4 बार हुआ और उसकी भी लगभग शिक्षा जो थी वो सेल्फ स्टडी रही थी, कुछ एक टाइम वो इंस्टीट्यूट से जुड़ा था, उसकी जो नॉलेज जो मैंने ऑब्जर्व की उसको इतना एग्जाम आता था कि वो अच्छे से उसको पास आउट कर दे, और वो रिजर्व्ड कैटेगरी बीसी में भी आता था जहां पे अंकों की जो सीमा वो कुछ कम होती है, लेकिन जैसे ही वो एग्जाम के अंदर जाता वो उस फोबिया के कारण उस टेस्ट को 4 बार जो है वो पास नहीं कर पाया। तो जो मैंने समझा उसमें ऐसा लगा कि जब वो एग्जाम, पहली बात तो ये कि एग्जाम से पहले उसके माइंड में एक सिर्फ एग्जाम ही घूमता रहता है, ना तो वो खाने को एंजॉय कर पाता, ना वो घूमने को, ना ही वो उस सफर को एग्जाम से पहले, उसके हर तरफ यहां माइंड में वही है। जब वो जाता उसको एक भी क्वेश्चन ऐसा दिखाई दे जाता है तो मेरे अनुसार नहीं आया, उसी टाइम उसको लगता है कि मेरा पेपर तो गया।
तो एक तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, अगर आपके माइंड में कहीं आ गया एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन देख के कि ये तो गया मेरे अनुसार नहीं है, जहां आपने इस तरह का फील कर लिया वहां आप 50% उस परीक्षा से बाहर हो गए। आप उसको करें, और माइंड का एक लेवल होता है, आपको हर समय सिर्फ और सिर्फ इसको नहीं देना, एक प्रॉपर बैलेंस बनाना है अपनी लाइफ में। मैं शायद जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके साथ परिवार नहीं जुड़ा हुआ होगा, मेरे साथ परिवार भी जुड़ा हुआ था, मेरे साथ जॉब भी थी, जिम्मेदारी भी थी, तो भी मैंने एक बैलेंस बना के रखा। वो बैलेंस आपको बना के रखना है, परीक्षा से घबराना नहीं है, जो चीज आपको आती है उनको ढूंढ के उनको अच्छे ढंग से करना है, ना कि उन चीजों को ज्यादा ध्यान देना जो आपको नहीं आता। तो एक ये भी मेन रीजन रहता है, बच्चों को अच्छी नॉलेज होते हुए वो पास नहीं कर पाते, ऐसा काफी बार होता है, काफी छात्रों के साथ होता है। तो मेरी उनसे कई बार बात होती है, अभी इस बार लास्ट टाइम उनका क्लियर हो गया था, तो मैंने उनको कहा था ये बात, दो बार चार बार समझाई लेकिन उनको नहीं समझ में आई। फिर उसने जब लास्ट टाइम एग्जाम दिया वो कहता सर इस बार तो मैं सिर्फ दे के आऊंगा, मेरे घर में बहन की शादी भी थी, तैयारी भी नहीं मैं कर पाया, मुझे पता था नॉलेज है। मैंने कहा उसको तेरा क्लियर ही इस बार होगा, और उसका जैसे ही रिजल्ट आया फोन आया बोले सर मेरा इस बार क्लियर हो गया। तो उसको फोबिया मत बनाए, अपनी तैयारी पे फेथ रखें, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप सेल्फ स्टडी पे फेथ रखें, आप जिस शिक्षक से सीख रहे हैं उसके पर पूरा का पूरा विश्वास रखें, ये नहीं कि इससे बेटर वहां है, अगर मैंने जो चीज सेलेक्ट कर ली वही सबसे बेस्ट है, ये आपके अंदर मन में होना चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये होना चाहिए सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से ले रहे हैं तो आपको होना चाहिए ये सबसे बेस्ट है, किसी से ऑनलाइन ले रहे हैं तो ये होना चाहिए ये सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। जब आप उसमें फेथ रखोगे, खुद में फेथ रखोगे, तो आप 100% सफलता प्राप्त करोगे। और दूसरी बात सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं उनको ये रहता है कि उन्होंने कहीं पे जो इंस्टीट्यूशन के जो है नोट्स लिए है या फिर बुक से उन्होंने जो क्वेश्चन रीड किए है वो क्या है, किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, उससे उनको क्या फायदा होता है, क्या ये एक्चुअलिटी में इससे बेनिफिट होता है या नहीं होता है, या सिर्फ वेस्टेज ऑफ द मनी होती है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? इसमें भी दो राय है, जैसे मान लो अलग अलग बुक्स अलग अलग, कई बार ऐसा होता है कि हम मैटर इतना ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए आपके पास मैटर, सिलेक्टेड होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए टेस्ट सीरीज, आप उसके क्वेश्चन को अगर उनमें दो बातें आ रही है तो क्यों आ रही है उसकी क्लैरिफिकेशन आपने कर लेनी। एक दो बार एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आया है जो अलग अलग राइटर की बुक से और उसमें ओवर करके आंसर भी डाले थे, पहले ऐसा बहुत कम होता था, पहले जो ऑब्जेक्शंस थे काफी कम जाते थे, अब अलग अलग बुक के राइटर्स ने अलग अलग स्टेटमेंट दी हुई है, काउंटेबिलिटी में भी है, किसी और टॉपिक में भी है, तो वो आपको बहुत ज्यादा डाउट अगर आपको आ रहा है तो आप उसको क्लियर करें बिल्कुल माइंड के अंदर, ऐसा ना रहे कि उसमें ऐसा था उसमें ऐसा था और किसी एक को आप मान लें, अगर वो है तो क्यों है। और आपके पास इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए मैटर कि आप समझ ही ना पाओ कि करना क्या है, कंफ्यूज हो जाओ। मैटर वही होता है बस उसको मोल्ड कर दिया जाता है, इसलिए आप एक दो या तीन प्रॉपर सिलेक्ट करके अच्छे इंस्टीट्यूट के अच्छी बुक की आप खुद के नोट्स बना के तैयारी करें, साथ में जब आप कोई भी टॉपिक कर रहे हैं आपके पर्सनल हैंड रिटन नोट्स आप उसमें से सिलेक्टेड जरूर बनाएं, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप उसको उस पूरी कॉपी को आप ज्यादा नहीं तो 2 घंटे के अंदर रीड कर सकते हो, 2 घंटे के अंदर आप पूरा टॉपिक रीड कर सकते हो, कंडीशन ये है कि आपने वो खुद से बनाए हुए हो। अगर आप बना हुआ चाहे वो आपने 5 बार कर लिया, 7 बार कर लिया, 10 बार कर लिया, उसमें से आप इतने कम समय में उसको दोहरा ही नहीं पाओगे, आप वो पॉइंट की पॉइंट्स नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही बोला। और दूसरी बात क्या है फ्रेंड, जो अशोक सर है वो अब जो है हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे, हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो चलती है उसमें अगर किसी स्टूडेंट के जो डाउट होंगे वो मेरे से भी डिस्कस कर सकते हैं, और ग्रुप के अंदर सर रहेंगे कि अगर आपका कोई डाउट है तो इनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, या फिर जो हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उनके भी अगर आपको कोई डाउट आते हैं तब ग्रुप के अंदर ये वहां प्रेजेंट रहेंगे, वो डाउट आप डिस्कशन कर सकते हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको ये तय करना है कि आपकी तैयारी हुई है या नहीं, तो
अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपको सिर्फ टेस्ट के माध्यम से अपने आपको इम्प्रूव करना है, तो मेरा मानना ये है ये टेस्ट सीरीज आपके लिए ही है। आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। और दूसरी चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर, मान लो एक स्टूडेंट है जिसकी तैयारी है और उसका नेट नहीं हो पा रहा, क्या उसको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से फायदा होगा, और होगा तो क्या फायदा होगा, आपको क्या लगता है इसके बारे में? अगर कोई छात्र इस तरह की समस्या से जूझ रहा है और वो टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करे तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा, एक समस्या एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट की भी आ सकती है। एक तो उसको टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम जो है वो समझ आ जाएगा कि कितना टाइम दे, किस क्वेश्चन को सोल्व करना है, अगर कोई नहीं आता या 50-50 आता है तो ड्रॉप आउट करना है या सिलेक्ट करना है, इन चीजों का उसको जो है ज्ञान हो पाएगा, इसलिए ये उसके लिए पूरी तरह से बेनिफिट रहेगा। दूसरा ये भी है कि क्या होता है, जैसे अगर मैं सी सेक्शन की बात करूं, सी सेक्शन में शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा जो कहता है कि मैं 20 क्वेश्चन नहीं करके आया। मेरा इससे विरोधाभास है कि 20 क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं आप करके आओ, आपको अगर 15th क्वेश्चन पे पकड़ा है तो आप 15 ही क्वेश्चन करें, 5 क्वेश्चन का जो टाइम है अगर आप उन 5 में मार्क करते हो तो क्या होता है कि कम से कम 15 से 20 मिनट कुछ ना कुछ आप समय उसको देते हो, उस समय में जो क्वेश्चन आ सकता था जिस पे आप मेहनत कर सकते थे वो क्वेश्चन ड्रॉप आउट हो जाता है, जिसका नुकसान होता है। और मल्टीपल चॉइस आंसर के अंदर खासकर ऐसा नहीं होता कि आपका ठीक हो जाए। मैंने एक बार एक प्रैक्टिकल किया इस बारे में कि 20 क्वेश्चन जो एक भी नहीं आता था मैंने किसी अपने बीए के छात्र को दे दिए कि आप इस पे मार्क करो, और उनको अच्छे से समझा दिया कि इसके 3 आंसर भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। 5 छात्रों पे मैंने ये सर्वे किया और उसमें जब मैंने रिजल्ट पाया तो आप हैरान हो जाओगे, प्रोबेबिलिटी जो निकाली, एक बच्चे के 2 ठीक थे, 3 बच्चों के 0 ठीक थे और एक बच्चे का 1 ठीक था, यानी 5 बच्चों के 20 यानी 100 क्वेश्चन ठीक 3। तो अब उन 100 क्वेश्चनों पे टाइम कितना लगा वो सोचें, और 3 क्वेश्चन आने से बेनिफिट कितना हुआ। इसलिए प्रॉपर सिलेक्शन, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट ये बहुत जरूरी है। ये आप जितनी प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जितनी ज्यादा की होगी उतना ज्यादा फायदा होगा। और ये प्रैक्टिकल ये सर्वे मेरा किया हुआ है इसलिए मैं इस पे बिल्कुल 100% कह सकता हूं कि सी के अंदर 20 के 20 करना कोई जरूरी नहीं है। अगर मैं खुद की बात करूं, मैंने 14 किए थे, इस बार 14 के 14 ठीक है, मैंने 20 नहीं किए, मेरे को आते थे लगभग 28 भी, लेकिन मुझे लगा कि गलत नहीं जाना चाहिए, मेरा हो ना हो कोई बात नहीं, मैंने जो किया वो ठीक होना चाहिए, बी में मेरे गलत है 1-2, लेकिन सी के अंदर मैंने 14 ही क्वेश्चन को टाइम दिया था और 14 के 14 क्वेश्चन मेरे ठीक है। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात फर्स्ट रैंक आने के साथ साथ ये भी रही है, 20 नहीं किए, हालांकि जो मुझे क्वेश्चन थे जो मैंने देखे कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन और ऐसे थे जिनको मैं कर सकता था, उनमें से मेरे कम से कम 10-12-13 ठीक भी हो जाते, बाद में आके 3 या 4 क्वेश्चन जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे छोड़े मैंने वो भी मेरे ठीक थे, लेकिन मैंने फिर भी नहीं किए क्योंकि मुझे ये चाहिए था गलत नहीं होना चाहिए, 100% एक्यूरेसी हो। देखो बहुत अच्छा इन्होंने चयन किया और बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए उनका टारगेट ये होता है मुझे 20 के 20 करने, जिसमें क्या होता है उसका टाइम वेस्ट होता है। सपोज करो उसको 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन नहीं आता, उसने टाइम लगाया, मान उसने 30 मिनट में उसको नंबर 0 मिला, और इस अगर वो यहाँ पे लगाने की बजाय अगर वो पार्ट बी के ऐसे क्वेश्चन देखता जो लेंथी है बट उसको आते हैं, एटलीस्ट उसका 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ठीक होता, जो उसके लिए प्लस पॉइंट रहता, वहां उसको नंबर मिलते। तो इन्होंने जो बात बताई है सर ने बहुत अच्छी बात बताई है, आई होप ये चीजें आप सभी जो है इन पे अमल करने वाले हो, और आगे से जो हमारी सीरीज है टेस्ट सीरीज है हम सभी मिलके वर्क करेंगे, और हमारा टारगेट यही है, हमारा एम यही है कि हमें दिसंबर का एग्जाम किसी भी हालत में निकालना है, और वो हमारा तभी निकलेगा जब हम मेहनत करेंगे। तो इसलिए जो है हम अपना जो टेस्ट है वो मंडे से स्टार्ट है, टुमारो से हमारा टेस्ट स्टार्ट होगा जो कि हमारा लीनियर अलजेब्रा का स्टार्ट होगा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से। और इसके लिए जो आपको अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको जो ये डिटेल गिवन है इस पे आप रजिस्ट्रेशन
करवा सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि आपको चीज क्या है, आपको ये सोच के बोलना है कि आपको करना क्या है। कई स्टूडेंट क्या होता है, कई ये सोचते हैं सर मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन तो करनी है बट मेरी तैयारी नहीं। नहीं, पहले तैयारी कीजिए, आपको ये लगे आपकी तैयारी हो चुकी है तब कीजिए, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं हो पाएगा। तो अशोक जी का मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने कीमती समय निकाल के आप सभी के सामने ये जो बातें हैं शेयर करी। और ये हमारे सामने जो है अशोक सर जो है आपके डाउट डिस्कशन के लिए जो हमारी ऑनलाइन क्लासेज है वहाँ प्रेजेंट रहेंगे, आप इनसे भी जो आपकी क्वेरी है वो डिस्कस कर सकते हैं। और जो लास्ट चीज आप स्टूडेंट को कहना चाहोगे तो प्लीज कुछ बताइए हमारे दर्शकों। मेरा आखिरी संदेश ये है कि जैसे कि सिरसा शहर में जो भी बच्चे गणित में रुचि रखते हैं समय समय पे वो मुझे दिशा निर्देशन लेते रहते हैं, क्योंकि गणित विषय से मेरा बहुत लगाव है। इस वजह से जो भी बच्चा किसी भी तरह से मुझे विचार विमर्श करना चाहता है, परामर्श लेना चाहता है, राय लेना चाहता है, या जो चीज मुझे आती है वो मुझसे सीखना चाहता है, वो सदैव किसी भी समय मुझसे अपनी सहायता ले सकते हैं। और बलवान मुदगिल जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, और साथ में जितना मुझसे एक मदद हो पाएगी, क्योंकि ये गणित के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, या कोई भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए गणित के साथ जुड़कर कितना बढ़ावा मिल सकता है, उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। चाहे वो मेरे शहरवासी है या राज्यवासी है या राष्ट्र के वासी है, उन सब के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद करने के लिए मैं हाजिर हूं, क्योंकि गणित विषय से मेरा एक विशेष लगाव है। धन्यवाद। ओके फ्रेंड, मिलते हैं तो सभी टेस्ट सीरीज के साथ मिलते हैं हमसे।